खोराबार पुलिस ने हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बुढ़िया माता मंदिर तिराहे से आगे उत्तर तरफ कच्चे रास्ते तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजू निषाद पुत्र स्वर्गीय जवाहर निषाद निवासी रामगढ़ उर्फ रजही वनसप्ती टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने ही 30 मई को अपनी दादी राजवंती देवी पत्नी फल्ली निषाद की जमीन व संपत्ति के मामले को लेकर हत्या कर दी थी। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 25,000 का इनाम दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल आशुतोष मिश्रा, अजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज खोराबार पुलिस द्वारा 30 मई की रात को एक गला घोंटकर 70 वर्षीय महिला की हत्या की गई थी। उस हत्या का सफल अनावरण आज खोराबार पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें महिला राजवंती देवी, उसके पोते राजू निषाद को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था। राजू निषाद पर किसी प्रकार के कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसके साथ में अन्य लोग भी थे, उन पूछताछ करके और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। गला घोट के हत्या की है, तो इसमें बरामदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन फिर भी इनके मोबाइल जिसमें अपना आपस में बातचीत की थी, उन सभी मोबाइल को फॉरेंसिक के लिए जरूर बरामद किया गया है।